दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत सप्ताह समारोह के अंतर्गत काव्य स्वर कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को दीक्षा भवन में किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय के युवा रचनाकारों के साथ शहर के नामचीन कवियों और शायरों की एक मंच पर सजी जुगलबंदी ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कवि सुभाष यादव, शायर कलीम कैसर, कवित्री चेतना पांडे ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। इनके अलावा वीरेंद्र मिश्र, दीपक जलाल, मानी विनय दीक्षित ने भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम का शुभारंभ संयोजक और हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल राय, प्रोफेसर रजूर रहमान, डॉक्टर कलीम कैसर, प्रोफेसर शोभा गौड़ और प्रोफेसर नंदिता आईपी सिंह ने दीप जलाकर किया। संचालन प्रोफेसर सुषमा पांडे ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदी विभाग के अध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर अनिल राय ने कहा, उत्तर आधुनिक दर्शन के प्रभाव के साथ साथ बाजार और भूमंडलीकरण का जो यथार्थ है उसको कई की बार हम लोग आर्थिक दुनिया का सच मान लेते हैं, लेकिन बाजार और भूमंडलीकरण ने हमारी सांस्कृतिक दुनिया को, साहित्यिक दुनिया को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया है और उसके जोखिम पैदा हुए हैं। ये पिछले वर्षों में अनेक बार कहा गया है, इस दुनिया के दार्शनिकों ने और चिंतकों ने इस पर विचार करते हुए इसके खतरे की तरफ, मैं आज इस पूरे सभागार का ध्यान इस खतरे की तरफ, इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि अब ये बातें कही जाने लगी हैं कि क्या जिस तरह की जिंदगी और जिस तरह की दुनिया बनती चली जा रही है उस दुनिया में कविता जैसी चीज के लिए भी, संस्कृति और कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए भी क्या कोई जगह बची हुई है। और निराशा में यहां तक कहा गया है कि अब एक ऐसी दुनिया बनती चली जा रही है जिस दुनिया में कला के लिए और कविता के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बहुत निराश हो जाता हूं इस बारे में विचार करते हुए, क्योंकि साहित्य का अध्यापक हूं ना, खतरा अपने लिए भी महसूस होता है। लेकिन मुझे विचारक की एक बात याद आती है और वही बात एक वाक्य में कह करके मैं आप लोगों से विदा लूंगा, और वो बात यह है कि एक विचारक ने कहा है कि मैं नहीं जानता कि कविता हमारी जिंदगी में और हमारी दुनिया में क्या करती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कविता के बिना हमारी जिंदगी और हमारी दुनिया नहीं चल सकती। इन्हीं शब्दों में मैं एक बार फिर मंच पर बैठे हुए इन रचनाकारों का स्वागत करता हूं, और इन्हीं रचनाकारों जिन्होंने अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में कविता रचने का ये धर्म निभाया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कविता रचकर धरती का सीना, धरती की छाती थोड़ा और चौड़ा करते हैं। हमारे 10 वरिष्ठ कवि बैठे हुए, हम चाहते हैं कि आपके तरफ से एक बार तालियों के साथ स्वागत हो। और 12 कवि बैठे हुए, इनका भी स्वागत आपके तरफ से हो। साथियों, कविता का यह कार्य हमारे लिए सुखद है। दीक्षा भवन के सूरती नारायण हॉल में सुंदर यह धरती सनातन की धरती है, यह धरती विशिष्टता की धरती है, विविधता की धरती है। बीच की जुदाई से दो चार अगर रासू बहाने तो मसला क्या है। तेरे सारे खत जलाकर तुझे जिंदगी से हटा, तेरे सारे खत जलाकर तुझे जिंदगी से हटाकर चुपके से अगर जहन में बसा लूं तो मसला क्या है। कागज पर पड़े ख्याली शब्दों पे, कागज पर पड़े ख्याली शब्दों पे जहन में बसे तेरे लफ्जों पे, कागज पे पड़े ख्याली शब्दों पे जहन में बसे तेरे लफ्जों पे खुले जज्बात की कलम से, खुले जज्बात की कलम से लहू गिरा दो तो मसला क्या है। पागल हो साथियों, यह भारत विविधता का देश है। यहाँ पर हमें कहा गया, प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरिता हारे गलामम निकामम हिमाद्री ललाटे पदश्चैव सिंधु प्रियम भारतम सर्वथा वंदनीयम। की जो विविधता है उसको हम बखानते रहे हैं, इसी भारत की विविधता को अपने गीतों में लेकर आ रहे हैं। साथियों, थोड़ा सा शालीनता चाहती हूँ आप विश्वविद्यालय के काम ना आए, जवानी कौन कहता है जो रण में पीठ दिखलाए
उसे शामी कौन कहता है। और अगली पंक्ति सुना कि जो खाते मेरे भारत की खाकर गद्दारी करते हैं, जो खाते मेरे भारत की खाकर गद्दारी करते हैं, अरे भला ऐसे ना मर्दों को हिंदुस्तानी कौन कहता है। भला ऐसे ना एक बार एक माँ से पूछा जाता है हिंदुस्तान की, देखिए माएं कैसी हैं, माताएं हमारी कैसी हैं, सुनिएगा उनका पौरुष देखिएगा। एक बार पूछा जाता है कि अगर एक माँ से पूछा जाता है कि अगर आपको कोई वरदान मांगना पड़े तो आप क्या मांगेंगे, मैं शब्दों में फिर हम सुने। माँ कहती है कि ना ही महल अटारी चाहिए मुझको, अरे ना ही महल अटारी चाहिए मुझको, अरे ना ही स्वर्ग भरी महफिल देना, जन्म को तुम्हें फिर बिस्मिल देना। बातें इरादे बहाने हर कहानी याद है, और आज भी वो मुझको मुझबानी याद है। बातें इरादे बहाने हर कहानी याद है, आज भी वो मुझको मुझबानी याद है, और वो हर बात के बाद कहती थी मैं गलत नहीं हूँ, और उसके हर बात के बाद में मेरी नादानी है। एक शेर और सुना के गीत सुना के स्थान दूंगा, सुनेगा कि हम फिर उसे भूल जाना चाहते हैं, हम फिर उसे भूल जाना चाहते हैं, हम फिर एक दफा मुस्कुराना चाहते हैं, और चलते चलते किसी सफर में आंखें लड़ाना चाहते हैं। अरे सुन तो लो, सुनो कि हम फिर उसे भूल जाना चाहते हैं, हम फिर एक दफा मुस्कुराना चाहते हैं, और चलते चलते किसी सफर में आंखें लड़ाना चाहते हैं, और हम फिर उसे ही अपना हमदर्द बनाना चाहते हैं। गीत है, सुनिएगा, थोड़ा सा हमको भी समय दीजिएगा बोलने का, आप क्योंकि ज्यादा उत्साहित हैं। तो कि मैं घर का प्यारा बेटा था, जब राही बनकर निकला था, मैं घर का प्यारा बेटा था, जब राही बनकर निकला था। और अगली चार पंक्तियों पे गौर फरमाइएगा कि रस्ते जब राही बनकर निकला था, तब भी करने का चाहता, फिर अंत में वही निकट लाई और पूछी मेरी क्या चाहत था। जेवर से लेके मानवता के तेवर तक के कविता सीधे सीधे एवं गजब के मतला जनसार रखा था, मंच के ध्यान चाहे कि जाने कतना राज छुपाए उलई, कि जाने कतना राज छुपाए उलई की जे चूल्हा पे दिल झुलसावे उलई, कि जाने कतना राज छुपाए उलई की जे चूल्हा पे दिल झुलसावे उलई की। कार्तिक माँ से कोयल रानी का गई है, कोयल रानी कह गई है गजब के बिरहा धुन सुनावे, गजब के बिरहा धुन सुनावे उलैकी, कि गजब के बिरहा धुन सुनावे उलैकी, बांधे बिस्तर लाख पकड़ के पजरा में, कि बांधे बिस्तर लाख पकड़ के पजरा में, हाल पूछ के नींद भगावे उलैकी।
अंगना बेटी और दुलारे बेटा। आकृति जी मैंने पूछा दिवाली ये लोग के हवाले से हमसे पढ़ा था कि अंगना बेटी और दुआरे बेटा, अंगना बेटी और दुआरे बेटा कि अंगना बेटी और दुआरे बेटा घर के बिगड़ल काम संवारे लड़की, घर के बिगड़ल काम संवारे लड़की और संस्कार में माई के उछाला। संस्कार में माई के उछाया है, संस्कार में माई के उछाया है, भीगल आग पे बात बनावे उलई की, मोहब्बत है वतन से तो इजहार भी होना चाहिए और मेरी आवाज से भी ज्यादा बुलंद आप सब की आवाज होनी चाहिए। जिस मिट्टी पर जन्म गया जो मिट्टी मेरी शान है, जिस मिट्टी पर जन्म गया जो मिट्टी मेरी शान है, दिल जो मेरा सुकून मेरा जज्बा ईमान है। जिस मिट्टी पर जन्म लिया जो मिट्टी मेरी शान है, दिल जो मेरा सुकून मेरा जज्बा ईमान है। वफा की खुशबू आए जहां से, वफा की खुशबू आए जहां से, नबी का मेरे फरमान है। वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा मैं हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ अनिल राय, और जो आयोजन समिति है उस आयोजन समिति के कई सदस्य हैं, उनमें मैं मुझे संयोजक का दायित्व सौंपा गया है। 15 दिसंबर को गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 40वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। दीक्षांत समारोह के क्रम में साप्ताहिक हमारा जो आयोजन चल रहा है, जिसमें व्याख्यान भी हो रहे हैं, संगीत की प्रस्तुतियां भी होनी हैं, उसमें आज काव्य संध्या का आयोजन है। काव्य संध्या के इस आयोजन में हम लोगों ने कल्पना की थी कि अपने विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी रचनाकार हैं, कवि हैं, उनको भी बुलाया जाए और हमारे गोरखपुर नगर के जो वरिष्ठ रचनाकार हैं उनको बुलाया जाए। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये जो कार्यक्रम कवि सम्मेलन और मुशायरे का चल रहा है, उस मंच पर वरिष्ठ रचनाकारों के साथ साथ हमारे विद्यार्थी रचनाकार भी मंच पर उपस्थित हैं। दो पीढ़ियों के बीच कविता का यह संवाद हमने आयोजित करने की कल्पना की है, और उसमें इस समय हमारे विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन के मंच पर इन दो पीढ़ियों के 22 रचनाकार यानी 10-12 जो हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं वो अपनी कविताओं का पाठ करेंगे, और नगर से जिन्हें हमने आमंत्रित किया है, जिन्हें बार बार मैं वरिष्ठ कवि और वरिष्ठ शायर कह रहा हूँ, उनकी संख्या 10 है। तो कुल 22 कवियों और शायरों की यहाँ पर प्रस्तुति होनी है। पूरा सभागार इस समय खचाखच विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों और नगर के साहित्य प्रेमियों से भरा हुआ है। अब तक 4-5 विद्यार्थी रचनाकारों की प्रस्तुति हो चुकी है। विद्यार्थियों को आकृति विज्ञ अर्पण, जो इसी विश्वविद्यालय की कभी छात्रा हुआ करती थी, वो संचालन कर रही हैं, वो प्रस्तुत कर रही हैं, और हमारे नगर के वरिष्ठ रचनाकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रतिष्ठित शायर हैं डॉक्टर कलीम कैसर, वो उन्हें प्रस्तुत करने जा रहे हैं।